हम हमारे पुराना जो मामला चल रहा है ना, प्लॉट का केस है, तो इस हिसाब से हमारे पैसे करवाने लेके गए थे वो लोग वहाँ पे। और हमारे को मतलब बोला कि यहाँ पे बैठो नीचे, तो हम नीचे ही बैठ रहे थे, तो भैया नीचे बैठने लगा कि वो नीचे नहीं बैठा, उससे पहले उसने उसको मार दिया। तो यूनिफॉर्म में नहीं था, तो मैंने बोला कोई और होगा, तो मैं भैया को बचाने गई वहाँ पे, तो उसने मेरे को भी मारा। मैं नीचे गिरी तो मेरे 2-3 लात लग गई। बेस करके वापस मेरे को बोला भाई चलो बाहर बैठो, तो मेरे को ये बताया गया कि स्टैंड के नीचे बैठ जाओ। तो मेरे खिलाफ जो पार्टी थी वो इस कोने में बैठी थी, और मैं इस कोने में जाकर बैठने वाला था कि उस पुलिस वाले ने मेरे पास आकर 2 तो चाटे लगाए और 2-3 लातें मेरे को मारी। तो मेरी बहन ने मेरे को बचाने की कोशिश की, तो उसको भी 2 लात मारी, 1 लात में वो नीचे गिर गई और 1-2 लात नीचे पड़ी पड़ी के मारी। ये कहना गलत है कि पुलिस ने वहाँ पर पिटाई की हो। इन दोनों पक्षों का जमीन के संबंध में विवाद है। एक पक्ष के पास नगर पालिका का पट्टा है और दूसरे के पास रजिस्ट्री है। इस संबंध में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को लड़े झगड़े का अंदेशा मानकर इनको 151 में गिरफ्तार किया था और आमली में जहाँ कैंप था तहसीलदार से वहाँ पे उनके समक्ष पेश किया। वहाँ ये बताते हैं कि हमारे साथ मारपीट की, लेकिन हमने गोपनीय तरीके से जांच की तो पाया कि इस महिला के किसी ने हाथ नहीं लगाया है। इस महिला को नाम आते हैं तो उससे वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी। राजस्थान में दलित हो चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे पिछड़ा हो, किसी पर भी सरकार का उनके उत्थान की तरफ ध्यान नहीं है। 3 साल हो गए, 3 साल में कितने ऐसे कांड हो गए जो दलितों पे मतलब मारने का है, चाहे वो डेल्टा का कांड है कि बच्चियों का है, चाहे महिलाओं का है, लड़कियों का है, तो गांव में है, चाहे 2 ग्रुपों में है। तो इस तरीके से ये जो डेल्टा कांड कोई छोटा नहीं है। आप तुलनात्मक आंकड़ों पे अगर जाएं तो कांग्रेस का जब राजस्थान में शासन था, किस तरह से दलितों पे अत्याचार हुए हैं, अब उनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, वसुंधरा सरकार पूरे जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। जन कल्याण के बीच में क्या दलित को कहीं जगह मिल पाई? जगदीश जी हैं जयपुर से, साथ ही सुनील प्रजापत जी भी जयपुर से जुड़े हैं। जगदीश जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ नमस्कार, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस या बीजेपी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हाँ कांग्रेस या बीजेपी मात्र छलावा करते हैं, दलित अधिकारियों को ऐसी जगह पोस्टिंग ही नहीं दी जाती जहाँ कुछ प्रभावशाली कार्य कर सके। बिल्कुल, मैं इस पहलू पर आऊंगा, शुक्रिया आपका। सुनील जी आप क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, 3 बातें हैं छोटी छोटी। पहले तो कांग्रेस और बीजेपी में ये जानना चाहता हूँ दलित नेता कौन है राजस्थान में, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे चुनावी जब मुद्दा आता है तो ये भीड़ जुटाने के लिए ये बेचारे बड़े बड़े नेता गरीब दलितों को, गरीबों को रैली के रूप में, आंदोलन के रूप में ले जाते हैं, और इनके खिलाफ जब FIR लॉन्च हो जाती है, विभिन्न अपराध बुक वो झूठा ब्यूरो बना के पेश किया जाता है, तो उनको केस की कानूनी कार्रवाई कैसे, स्थितियां सुधरेगी? कमल टांग साहब, एक सवाल है कि सरकार में उपेक्षा हो, प्रशासन में उपेक्षा हो, समाज में उपेक्षा हो, यह हर दौर में देखने को मिल रहा है, ऐसे हालात में कैसी स्थितियां बदलेगी, किससे उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, एक तो ये हमारे पुराने पुरखों के जो सिस्टम बने हैं इसमें बहुत गंदा, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हमने ने कहाँ से ये जातिवाद का सिस्टम चालू किया, जातियाँ बनाई, कुछ लोगों को बिल्कुल उन जातियों में नीचे और बिल्कुल न्यूनतम जानवरों से ज़्यादा बदतर व्यवहार किया। हमारे पुरखों में ये हुआ और वो बदस्तूर उसको आगे 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 बढ़ाते रहे। कुछ सुधार आया है लेकिन हालात, मानसिकता अभी भी ऊँच और नीच की है, और उसी ऊंच नीच के अंदर एक जाति विशेष की वजह से आप किसी इंसान के साथ बदतर जानवरों जैसे व्यवहार करते हो, तो ये तो हमारी सामाजिक पूरे इस ताना बाना जो बना हुआ है इसको हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा। सब उस पढ़े लिखे और फिलहाल जिम्मेदार कौन लगता है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। एक कहानी समाज की है, दूसरी कहानी ये है कि जिसमें जिस पॉलिटिकल विल के साथ जो भी सरकार के अंदर आए वो उनके उत्थान के लिए काम करने की क्या व्यवस्थाएं बिठाता है, प्रशासन के अंदर क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं बिठाता है, ये उस पर तय करेगा कि इस तरह के, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि किसी ने मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अंबेडकर साहब ने कोई एक संविधान में ढांचा करके उनकी व्यवस्था करी है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको जो व्यवस्था करनी अमल में आना चाहिए, और अमल पर नहीं आता तो फिर स्थितियां बिगड़ जाती है, और वो नहीं कर रही है सरकारें।
अनिल गोठवाल साहब, प्रशासन को सुधारने की तुरंत जरूरत है, लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल जरूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि राजस्थान के अंदर इतने जिले हैं, उसके अंदर एक एसपी लग रहा है एससी का, क्या और कोई एससी के कोई एसपी नहीं है? आईजी के साथ संभाग है, एक भी संभाग में इस बात का कि कहाँ पर काम होता है नहीं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन दे, उनकी समस्याएं सुनने के लिए जो बैठे हैं उनको फील्ड में लगाएं। मैं कह रहा हूँ आज राजस्थान में पिछले आजादी के बाद एक हाई कोर्ट के अंदर एक जज एससी का नहीं बना, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? आप कहना चाह रहे हैं कि इलाके में दलित अधिकारी तैनात कर दिया जाए। जो भीलवाड़ा का मसला सुनाया, जिस पुलिस अधिकारी की उन दो भाई बहनों के बाद बाइट थी, वो खुद डिप्टी जो है एससी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पक्ष था कि पेट में लात नहीं मारी गई, वो तो ठीक है अपनी स्वाभाविक बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती है, ऐसी परिस्थितियों में कैसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे आप? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि विल पावर होनी चाहिए कि ताकि एक्शन ले, डीजी को बिल्कुल फ्री हैंड दे सरकार कि आप एक्शन लीजिए, आप करिए। ये सारी बातें यहाँ स्टेट में क्यों आती है, वहाँ की वहीं निपटनी चाहिए ना, हमारा ये कहना है। गोपाल डेनवाल साहब, क्या आपको भी लगता है कि स्थितियां अगर अधिकारियों को तैनात कर दिया जाए तो बेहतर हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं जो विल पावर है वो सरकारों को बदलनी होगी, कांग्रेस और बीजेपी को वोट बैंक से आगे बढ़ना होगा? देखिए, आज़ादी के 70 दशक बाद गरीब किसान, खेत मजदूर, अल्पसंख्यक और हर वो गरीब आदमी जिसको सिर्फ वोट के नाम पर यूज एंड थ्रो करती है पार्टियां, जिस प्रकार लोग कर रहे थे कि यूज एंड थ्रो, वोट आया तो याद आया, बाकी 5 साल गायब। और राजस्थान प्रदेश के अंदर ये सच्चाई है नहीं, इन दो परिस्थितियों को देखने के बाद, एक जोबनेर का मामला, एक भीलवाड़ा की शाहपुरा का मामला, हर राजस्थान में जैसे गोठवाल साहब करते हुए बिल्कुल सही है कि अगर थानों के अंदर पुलिस अधिकारियों का उनको जो है फ्री हैंड किया जाए तो बिल्कुल हकीकत है कि सुधर सकते हैं, परंतु राजनेता पार्टियाँ MLAs और MPs और धर्मशाही जो है अपना अपना ले जाते हैं, फोन कर देते हैं कि इनको छोड़ दो, छोड़ देते हैं। यहाँ भी हर जगह यही हुआ कि छोड़ दियो, इनको मत पकड़ना, मेरा आदमी है, ये मेरा कार्यकर्ता है। इसी वजह से ये नहीं हो पा रहा। अगर ये स्थितियाँ सुधरती है तो मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक न्याय हो सकता है, परंतु आज थाने के से लेकर SP से लेकर के और सारी ये जो पॉलिटिकल व्यवस्था है वो एक अप्रोच के माध्यम से लगती है, दबंग अप्रोच राजनीति पनपती जा रही है, रसूखदार जो है पॉलिटिक्स में आते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे रसूखदार, ऐसे ऐसे दबंग। भजनलाल जी, क्यों प्रशासन बेबस है या फिर प्रशासन को बेबस बना दिया गया आज? पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही थानों के अंदर जो SC ST के जो मुकदमे हैं उनके निस्तारण में भारी लापरवाही है। कम से कम 43.40% पेंडिंग सी पड़ी है। बलात्कार के मुकदमे पेंडिंग है 33.89 और हत्यार मुकदमों के जो पेंडिंग है वो 45.95 हैं। और ये आपको जो आंकड़ा है मेरे पास, ये जून 2016 तक का है, तो आप लोग इस आंकड़ों के आधार पर देख सकते हैं कि जिस संकल्प स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो वादे किए थे कि महिलाओं को सुरक्षा, आए दिन महिलाओं पर रेप हो रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलें सुरक्षित नहीं है, आप जहाँ जाएं वहाँ पर अपने आप को महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, और ये संरक्षण केंद्र की सरकार द्वारा प्राप्त है, क्योंकि दलित उत्पीड़न के मामले में चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो हमेशा विफल रही है। आप लोगों ने सबने देखा था ऊना के अंदर कैसे दलितों की पिटाई हुई, रोहित बोमुला वाला मामला है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसमें एक आरटीआई कार्यकर्ता राजस्थान में भी डेल्टा और डांगावास हमारे सामने है जिसका जिक्र हम शुरुआत से करते आए हैं। शंकर सिंह जी, ये क्या वजह है कि ये जो पेंडेंसी वाले जो आंकड़े फिलहाल भजनलाल जी ने पेश किए इनको लेकर सरकार का कोई काम नहीं होता, सिर्फ दावों की बात क्यों होती है? एक ये आंकड़े भले कुछ भी बताएं लेकिन ऐसा है पेंडेंसी के मामले में, देखिए जो सिस्टम है सिस्टम से चल रहा है, लेकिन मैं एक 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 क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, मैं क्राइम रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पिछली सरकार से चालान का परसेंटेज हमारा बड़ा है, हमने ये 14% ज्यादा है डके चालान प्रतिशत हमने बढ़ाया है, कह रहे पहले चालान तक नहीं पहुंचती थी, अब हमने उसको आपको आगे बढ़ा दिया, खोजबीन की है, सारा कुछ करा है, काम आगे बढ़ा दिया सरकार ने। नो डाउट किसी में क्राइम बढ़ा होगा लेकिन कई जात में क्राइम घटा भी है,
अब देखिए पूरे आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, मैंने इस बार जवाब मेरा एक निवेदन, मैं फिर आपको ये राजनीतिक विषय को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर करे, बीजेपी कांग्रेस पर करे, उससे अच्छा ये है कि वास्तव में दलितों के उत्थान के लिए और सरकार की इच्छा शक्ति, चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार की इच्छा शक्ति जागृत कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ पुलिस अधिकारी की भी, अगर कोई पुलिस अधिकारी वास्तव में नाकाम है तो उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, और मजबूत पुलिस अफसर दें, अब वो एससी के हैं या जनरल के हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि एससी के एसपी, ये गलत इंफॉर्मेशन है, कई जिलों में एससी और एसटी के एसपी हैं। आज अशोक राठौड़ जोधपुर कमिश्नर है, एससी के है, मजबूत अफसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मजबूत अफसर है उनको बिल्कुल पोस्टिंग है। अब उन अफसरों में भी एकदम मोरली सपोर्ट करना पड़ेगा। आज होता क्या है, इन सरकार के सरकारों के माध्यम से, मानवाधिकारों के माध्यम से पुलिस का भी मोरल मान लिया, ये बात मान ली मैंने, जो आपने कहा वो सब ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन थानों की स्थिति हम देख रहे हैं, जमीनी हालात हम देख रहे हैं, आम पीड़ित पहुंचता है और ठोकर खाकर या फिर धक्का मारकर निकाल दिया जाता है, इस स्थिति का जवाब दे कौन होगा? सरकार में उजली तस्वीर तो पेश करने के लिए है आंकड़े, लेकिन ये जो धुंधली और स्याह तस्वीर एक और है, इस पर कौन बात करेगा? नहीं, इसमें देखिए जहां कमी है वहां हम जवाब दीजिए, कैसे करेंगे? तीन बरस बीत चुके हैं, बदतर हो गई, स्पीड बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जवाबदेही अफसर की बिल्कुल बनाई है, केस ऑफिसर बनाकर उसकी जवाबदेही तय की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे जाकर अभी 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 इस बार में हम ग्रेडिंग तय कर रहे हैं कि वास्तव में किस ऑफिसर ने कितने केस को सल्टारा किया, उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग बनेगी। तो इच्छा शक्ति जागृत तो करनी है। सल्टारे में एक सवाल गोपाल जी ने शुरुआत में उठाया था, मैं उसके जवाब के साथ ब्रेक पर जाना चाहूंगा। मामला दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद निपटा दिया जाता है, थाने के स्तर पर दबाव डाला जाता है, सामाजिक स्तर पर धमकाया जाता है, जैसा कि एक पीड़ित ने कहा कि हम मामला दर्ज करवाने गए, थानेदार ने धमका के भगा दिया, और उसके बाद स्थिति है कि परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां मिल रही है, इस पर कौन काम करेगा? कब तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखनी पड़ेगी? निश्चित रूप से अगर कहीं यहाँ एक जो है कमी है उसको स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है। देखिए इसी सिस्टम को ले जाकर आखिर आपको खड़ा करना पड़ेगा समाज जीवन के बीच में, पुलिस को भी मजबूत करना है और जनता को भी मजबूत करना पड़ेगा। भाई जनता भी कहीं पर भी अगर मान लो तकलीफ होती है या पुलिस की उसमें कहीं प्रॉब्लम हो, क्लियर होती है, जनता उठ के खड़ी हो जाए, कैसे होगा? और आखिर में क्या सुझाव? साथ ही आज का सवाल और इस पर जवाब, छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। आखिर तो ये है कि दलितों पर अत्याचार राजस्थान में कोई भी किसी गांव में किसी शहर में नहीं हो रहा है ये लेकिन अब क्या है कि राजनीतिक लोग अपना फायदा उठाने के लिए दलितों को आगे करके मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से जो दलितों पर जो केस हुए हैं, जिस उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का या सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं है और उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए।